जमुई के केम कॉलेज अंबेडकर कल्याण छात्रावास में अभी तक की जो मूल समस्या है और मुख्य समस्या है वो छात्रवृत्ति को लेकर के हैं। पोस्ट मैट्रिक जो छात्रवृत्ति है वो 2013, 14, 15, 16 में अभी तक किसी भी बच्चे को नहीं मिला है और छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर के वहाँ के बच्चे के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है, उनका पढ़ाई बाधित होना पड़ रहा है। वहीं के एक लड़का है भूदेव कुमार, जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलने के वजह से एक साल का पढ़ाई छोड़ना पड़ गया था। यहाँ पे जो लगभग 3 साल से जो है स्टूडेंट को जो है छात्रवृत्ति सही से मिलती नहीं है। लड़का जो है चाहता है कि हम जो है स्कॉलरशिप मिलेगा तो हम जो है कोचिंग में जो भी प्राइवेट पढ़ता है उसमें जो है उससे हम दे के पढ़ेंगे। बहुत सारे गरीब छात्र जो है वो पढ़ नहीं पाते हैं, ये सब समस्या है। छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा, इससे आपके ज़िंदगी में अभी तक कुछ कोई खास वैसा घटना बताएं? छात्रवृत्ति जो है नहीं मिलने के कारण जब जो है 2012 में पढ़ रहे थे, साइंस से था मेरा ISC, उसमें जो है छात्रवृत्ति नहीं मिला जिसके कारण हम जो है यानी मैथ का क्लास में जो है हम पैसा नहीं दे पाए थे, जिसके कारण क्लास छोड़ना पड़ गया। हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से जो स्कॉलरशिप जो पेंडिंग्स हुए हैं SC ST के स्टूडेंट्स का, वो 3 साल के दौरान हमारे बहुत सारे दलित स्टूडेंट्स जो है पढ़ाई छोड़ चुके हैं, और जिसका मेन वजह है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। जबकि स्टूडेंट्स कई बार डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास, जिलाधिकारी के पास इन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के गए हैं, वहां से प्रॉपर जवाब ही नहीं ये मिला है कि आपका आवंटन नहीं आया है, ये नहीं आया है। जबकि ये हमें पता है कि पूरा हर साल जब जब भी छात्रवृत्ति ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है तो निश्चित ही आवंटन आई है, जिसका मेरे पास डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है कि इस बार जैसे जम्मू की अगर हम बात करें तो 1,45,00,000 रुपया जो है SC ST का स्कॉलरशिप आया हुआ है। मैं चाहता हूं उन सभी बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की राशि जल्द से जल्द मिले। इसके लिए जम्मू ज़िले के कल्याण विभाग के पदाधिकारी सत्यनारायण राम का मोबाइल नंबर 95-76-82-90-14 पर कॉल कर दबाव बनाएँ और बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने में हमारा मदद करें। मैं अशोक पासवान, जिला जमुई बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।